हे गाइस, फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत कूल एंड ऑसम गैजेट्स की दुनिया ग्रीन गैजेट्स में। गाइस, मैं आपको दिखाता हूँ अलग अलग कैटेगरीज के गैजेट्स जो कि आपके लिए बहुत यूजफुल होते हैं। सो गाइस, आज भी आपके लिए लाया हूँ कुछ ऐसा ही एडवांस एंड यूनिक गैजेट्स जो कि आपको बहुत पसंद आने वाले हैं। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा वरना आप कोई ना कोई गैजेट मिस कर देंगे। तो गाइस, हम शुरू करते हैं अपने इस अमेजिंग सफर को। एग्जस रसलर VXL। अब गाइस, ये आरसी कार आपको आने वाली है बेहद पसंद, खासकर अगर आप भी एक ऐसे आरसी व्हीकल ढूंढ रहे हैं जिसे कि आप लगभग हर तरह के टेरेंस में चला सकें, फिर चाहे वो उबड़ खाबड़ बड़े बड़े ग्राउंड्स हो या फिर स्नो वाली जगह हो। कहने का मतलब, ज़्यादातर आरसी कार्स ऐसी जगह नहीं चल पाती, लेकिन बात करें टेक्सास रसलर VXL की तो इसे आप इसके खास स्लेज हैमर टायर्स के चलते किसी भी एक्सट्रीम टेरेन में काफ़ी आसानी से चला सकते हैं, क्योंकि स्लेज हैमर एक्सट्रीम टेरेन टायर्स ही है। इवन पानी हो या फिर मड वगैरह हो, उनसे भी ये काफ़ी आसानी से निकल जाती है, एकदम परफेक्ट वे में अपनी बैलेंस को बनाए हुए ही। देखा जाए तो ये भी काफ़ी पावरफुल आरसी व्हीकल है, जहां दूसरे आरसी कार के टायर स्नो में या फिर गीली सोइल वगैरह में धस सकते हैं। इसके स्लेज हैमर टायर्स ऐसी जगहों पर से भी बड़ी आसानी से निकल जाते हैं। इस तरह से टेक्सास रसलर VXL को आप किसी भी एक्सट्रीम टेरेन में आसानी से चला सकते हैं। UDI RC U845 UFO हेक्साकॉप्टर। अब गाइस, क्योंकि एक हेक्साकॉप्टर है तो नॉर्मल ड्रोन्स की तरह इसमें आपको 6 नहीं बल्कि 6 प्रोपेलर्स देखने को मिलेंगे, और ये आता है सर्कुलर शेप में। वैसे इसके नाम में भी UFO शामिल है, और आप भी जानते हैं कि UFOs का शेप होता है वो भी इसी की तरह राउंड होता है, ऐसे में इसे भी एक छोटी सी UFO की तरह बनाया गया है। यह हवा में बहुत ही स्मूथली फ्लाइन ग्लाइड करती है, इसके अलावा हवा में फ्लिप्स भी मार सकती है। इसे उड़ाना काफ़ी आसान होता है क्योंकि इसका जो रिमोट कंट्रोलर है उसमें कंट्रोल्स इसके काफ़ी ईजी रहते हैं, तो कोई भी इसे काफ़ी आसानी से उड़ा सकता है। इसके अलावा गाइस, आपको बता दूं कि इसमें आपको एक SD कैमरा भी मिल जाता है, और इसे आप रात के समय भी उड़ा सकते हैं आसानी से, क्योंकि इसमें आपको काफ़ी सारी कलरफुल LED लाइट भी मिल जाती है देखने को, जिससे ये रात में भी अच्छे से विजिबल रहता है। तो गाइस, इस ड्रोन के लिए एक लाइक तो बनता ही है। जूस्ड बाइक हाइपर स्क्रैम्बलर 2। अब गाइस, बात करें हाइपर स्क्रैम्बलर 2 की, तो यही बाइक काफ़ी हद तक देखने में बिल्कुल एक मोटरसाइकिल की तरह लगती है, एंड यही बात इसे और भी ज़्यादा एक्साइटिंग बना देती है। इसका डिज़ाइन नॉर्मल ई बाइक से बिल्कुल अलग होता है, आगे की साइड एक बड़ी सी ब्राइट हेडलाइट के साथ इसमें रहता है साइड व्यू मिरर, कहीं ना कहीं इसे चलाने में भी वही मोटरसाइकिल जैसा लगता है। बात करें इसकी राइडिंग रेंज की, तो वो इसमें होती है 100+ miles की, जो कि काफ़ी ज़्यादा होती है, यानी इसे आप लॉन्ग ट्रिप्स पर भी जा सकते हो बेफिक्र होकर। इसके डुअल सस्पेंशन के चलते राइडिंग इससे बहुत ही कंफर्टेबल एंड स्मूथ बनी रहती है, एंड टायर्स इसमें होते हैं पंचर रेजिस्टेंट, और देखने में तो यह औसम है ही। तो कहने का मतलब यह है कि ये एक ऐसी औसम ई बाइक है जिसे कि आप बहुत ही लंबी ट्रिप्स पर बड़ी आसानी से जा सकते हो। सो गाइस, अब आपकी बारी है। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा है तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर से सेट कर लेना ऑल पर, ताकि आप ऐसे ही लेटेस्ट एंड कूल गैजेट्स देखें सबसे पहले। तो गाइस, सेफ रहिए एंड एंजॉय करिए, मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए गैजेट्स के साथ।